वेलकम टू रिसर्च रॉक्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे एयरटेल का ई सिम हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे हमारे ओल्ड आईफोन 15 प्रो से 16 प्रो मैक्स में बेस्ड ऑन यूरोप डेनमार्क के अंदर। तो लास्ट ईयर जो प्रोसेस थी जो मैंने की थी पुराने फ़ोन से, हर साल मैं फ़ोन परचेस करता हूँ न्यू, तो पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में तो उन्होंने लास्ट ईयर ही एक फीचर इंट्रोड्यूस किया था कि आप सीधा एयरटेल एप्लीकेशन को साइन इन करो आपके नए फ़ोन में और वहाँ पर ही ऑप्शन है अपग्रेड ई सिम। फिर ई सिम का नंबर डालना होता था आपको वहाँ पर, आपका मोबाइल नंबर, और फिर उसके बाद ई आई डी जो डिजिट होता है 50-60 नंबर का, वो वहाँ कॉपी पेस्ट करना होता था और सीधा अपग्रेड हो जाता था ई सिम आपके नए फ़ोन पे। बट इस साल उन्होंने सब शट डाउन कर दिया, आपको ई सिम को फिज़िकल में कन्वर्ट करना है पहले और फिर फिज़िकल सिम के द्वारा आप ई सिम में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट यदि मैं फ़िलहाल रहता हूँ कोपेनहेगन डेनमार्क में और मैं यहाँ पर तो एयरटेल का सिम फिज़िकल कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये प्रोसेस के अंदर पहले ही थॉट प्रोसेसिंग कर चुका था मैं फ्यूचर के बारे में। जो मेरा सिम था वो मैंने मेरे भाई के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया था लास्ट ईयर जब मैं इंडिया ट्रैवल किया था, तो फिर मैंने ये प्रोसेस सेम प्रोसेस उसे बताई कि ये मेरा ई सिम है, तू एयरटेल ऑफिस में जा, उसे फिज़िकल कन्वर्ट कर। फिर फिज़िकल कन्वर्ट करने के बाद हमने कस्टमर केयर से बात की, फिर कस्टमर केयर ने बोला प्रोसेस करनी है आपको, जैसे कि ई सिम स्पेस और ईमेल एड्रेस सेंड करना है 1-to-1 पे। फिर उसके बाद कस्टमर केयर ने कॉल किया आपको और फिर कस्टमर केयर ने कहा कि वो एप्लीकेशन में लॉगिन करो, जैसे कि फिज़िकल ई सिम पहले मिल चुका है हमें इंडिया में, तो हमने फिज़िकल ई सिम अटैच किया, मतलब मेरे भाई ने फ़ोन के अंदर, और फिर एयरटेल एप्लीकेशन के अंदर साइन इन किया और फिर प्रॉपर उसमें लॉग इन करने के बाद बाकी प्रोसेस कैसी है वो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे बताता हूँ। पहले तो जिस फ़ोन में आपने सिम कार्ड इंसर्ट किया है उस फ़ोन में आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिंपली साइन इन कर लेना है आपको आपके मोबाइल के थ्रू। फिर उसके बाद साइन इन करते वक्त ई सिम पोर्टल में एंटर होने के बाद यहाँ पर आपको जिस नंबर को ई सिम में कन्वर्ट करना है वो नंबर यहाँ पर वेरीफाई, और वो नंबर यहाँ वेरीफाई हो चुका है यहाँ पर नंबर ऐड करने के बाद। फिर उसके बाद हम यहाँ ई आई डी नंबर ऐड करेंगे जो कि आईफोन में अवेलेबल होती है अबाउट अस सेक्शन में। फिर उसके बाद वो डिजिट नंबर मैंने यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दिया और गेट ई सिम, फिर उसके बाद मैंने यहाँ सिंपली टैप कर दिया गेट ई सिम, तो फिर मुझे विद इन अ सेकेंड में एक ओटीपी आया, वो ओटीपी भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया और फैच योर ई सिम डिटेल। फिर उसके बाद ई सिम डिटेल, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं, ये प्रोसेस चल रही है पूरी इंडिया में मेरे भाई के मोबाइल में, और वहाँ पर जो हमने ई आई डी नंबर ऐड किया था उसे मैंने मेरे मोबाइल न्यू मोबाइल का ई आई डी कॉपी करके वाया व्हाट्सएप से सेंड किया था, फिर उसने यहाँ पर वो पेस्ट किया और फिर उसके बाद की जो प्रोसेस है वो मैं मेरे मोबाइल में करूँगा, जो कि कस्टमर केयर का बताना था कि ये प्रोसेस करने के बाद 2 घंटे के बाद आपके मोबाइल में एक नया पॉपअप आएगा और फिर आपको आगे की प्रोसेस करके ई सिम एक्टिवेट करना है। सो आफ्टर स्पेंडिंग 2.5 आवर आई एम रिसीविंग वन ऑफ द पॉपअप इन माई न्यू मोबाइल नंबर एंड करेंटली आई एम बेस्ड ऑन डेनमार्क इन यूरोप एंड माई ब्रदर आर डूइंग इंटायर प्रोसेस दिस वन बेस्ड ऑन इंडिया। सो आई जस्ट सिंपली रिसीव दिस मैसेज, आई जस्ट सिंपली टैप हियर एंड आफ्टर दैट हियर लुक एट दिस हियर सेटअप सेलुलर, no need to enter here the cellular option, this setup cellular just simply tap and activate eSIM Airtel India, would you like to activate eSIM on this device? I won't activate eSIM on my new iPhone 16 Pro Max, wait couple of second, activation process is going on, connecting to network and look at this here top of the screen, they are showing something and boom, cellular setup is completed, your Airtel underscore IND eSIM is now activate on this phone, done, which one you want trial, this one I go with this, or you want this, so you can change the name of this your phone number and simply continue, default line I go with primary, of course I this one and decide here cellular network
and boom, look at this here. Previously just only one network showing in my phone, and now two networks are showing. So now is Airtel eSIM is activated on my new iPhone 16 Pro Max in Europe, based on Copenhagen, Denmark. So ये सब इंटायर प्रोसेस करनी है आपको यदि ई सिम ट्रांसफ़र करना है आपको, यदि बट आपका सिम आपके नाम पे है तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ई सिम टू ई सिम ट्रांसफ़र करना, यदि आप US, कनाडा, सिंगापुर या फिर यूरोप की किसी कंट्री में रहते हो और आपने नया फ़ोन परचेज़ किया है और आपको ई टू ई ट्रांसफ़र करना है तो एयरटेल सपोर्ट नहीं करता. उसके लिए फिज़िकल कन्वर्ट करो, उसके बाद फिर ये इंटायर इतनी प्रोसेस आपको करनी है. सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.